जी नमस्कार साथियों, मैं आशीष कोटड़िया। भाजपा सरकार के शासन में आज देश का किसान पीड़ित है, प्रताड़ित है, चिंतित है व आंदोलित है। सरकार के द्वारा पारित किए गए 3 किसान विरोधी कानूनों के कारण आज देश का किसान आंदोलित है, किंतु इसी काले कानून को लेकर कई सारे आलोचनात्मक प्रश्न खड़े हो गए, जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। क्यों इस पूरे विधेयक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर MSP की बात को मुहैया कराने की बात को सुनिश्चित नहीं किया गया? क्यों इस पूरे विधेयक में ट्रेडर्स व व्यापार की परिभाषा को लेकर APMC तथा लाइसेंस युक्त व्यापारियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया? क्यों इस विधेयक को पारित करने से पूर्व राज्यों की अनुमति नहीं ली गई? क्योंकि यह सर्वविदित है कि देश के संविधान की 7वीं सूची में कृषि राज्य सूची का विषय व केंद्र सरकार ने क्यों समवर्ती सूची के विषयों का दुरुपयोग करके इस विषय पर कानून बनाया? कृषि सेंसस के अनुसार देश में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। तो क्या आपको लगता है कि यह 86% व छोटे व मंझोले किसान इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में सक्षम होंगे? केंद्र सरकार ने इस कानून को पारित करने से पूर्व क्यों किसान संगठनों तथा राज्यों की अनुमति नहीं ली? इस बात से यह साफ स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इस 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की कृषि व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों सुपुर्द करना चाहते हैं। देश में दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों को दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, किंतु उसके पश्चात भी यह मोदी सरकार मूकदर्शक की भूमिका निभा रही है। यदि यही परिस्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में हमारे देश के किसानों की आय 2 गुनी तो नहीं होगी, किंतु यह 0 से भी कम हो जाएगी और देश का किसान एक शोषक व शोषित बनती रह जाएगा। यह समय सभी के लिए है कि इस देश का प्रत्येक किसान इस काले कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाए तथा सरकार से मांग करे कि यह कानून वापस ले। यदि यही परिस्थिति बनी रही तो देश की कृषि व्यवस्था संपूर्ण रूप से ध्वस्त व नष्ट हो जाएगी। धन्यवाद।